आज हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूनिट 10 का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए जो शुरुआत होती है वो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 स्टॉकहोम में हुआ था। इसी के बाद से ही अपने सब जगह पूरे वर्ल्ड में 5 जून को वर्ल्ड पर्यावरण डे मनाना शुरू हो गया। तो इंडिया में जब ये बना था 1986 में, उससे पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी भोपाल में। उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक कंपनी थी उसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की जहरीली गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी लोग मर गए थे। तो वहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी बनाई कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ना हो। तो उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी उनके बिहाफ पे ये सब बनाया गया कि भाई ऐसी समस्याएं वापस ना हो तो कंपनीज के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली जाएं जिसके कारण ऐसी जो प्रॉब्लम्स आएँ, ऐसी कोई त्रासदी आएँ, उनको पहले ही बचाव किया जा सके। तो उसी के बाद में ही ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया। तो इसमें आगे है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। यह है एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो जैसे आप कोई भी अगर एक्ट बनता है तो उसके लिए क्या पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक कोई भी एक्ट बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में वो सब मेंबर्स होते हैं जिस हिसाब का हमें एक्ट बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो कि ये जो अपना एक्ट बनने वाला है ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी होगी उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो एनवायरमेंट से संबंधित लोग होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लोग होंगे, कुछ फाइनेंशियल के, कुछ जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो पुराने रिटायर होंगे, और कुछ लोग जो फाइनेंस से संबंधित हो। तो इस तरह से एक्सपर्ट्स को लेकर डिफरेंट एरिया से एक कमेटी का गठन किया जाता है। ये कमेटी एक ड्राफ्ट को तैयार करती है। जो ये ड्राफ्ट है ये गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। गवर्नमेंट फिर उसको सदन के पटल में यानी संसद में रखती है। संसद में फिर ये दोनों सदनों से पास हो जाता है। उसके बाद में उस पर जब ये सदन में होता है उस टाइम पे इसको विधेयक ही बोलते हैं यानी कि बिल बोलते हैं। और जब ये दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति इस पर साइन कर देता है तो ये कानून का रूप ले लेता है। तो इसी तरह से अपना ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया है। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। तो जो ये अधिनियम है इसमें जो बेसिकली 26 धाराएं हैं और जिनको 4 चैप्टर्स में बांटा गया है। और ये है जो अधिनियम है 19 नवंबर 1986 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। जो इसके एम है इस एक्ट के, उसमें फर्स्ट है पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को कार्यान्वित करना। जो प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन था स्टॉकहोम में हुआ था, तो उस टाइम पे कुछ नियम्स का जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए गए थे उनको क्रियान्वित करना है, उनको सब जगह वो अप्लाई होने चाहिए, इस तरह से मतलब क्रियान्वित होने चाहिए। मानव प्राणियों जीवों पादपों को संकट से बचाना, पर्यावरण संरक्षण हेतु मानव एवं व्यापक विधि निर्मित करना, विद्यमान कानूनों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यानी ऑथोरिटी का गठन करना तथा उनके क्रियाकलापों यानी एक्टिविटीज के बीच में समन्वय करना, ये इस अधिनियम के अंतर्गत आएगा। और इसमें है जो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या है कि इसका जो भी विस्तार क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है। तो जो ये पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट है इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो पूरा इंडिया है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत किया सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो ये एक्ट है ये उस तारीख से लागू होगा जब केंद्र सरकार अपने गजट में इसका नोटिफिकेशन निकालेगी। और ये गवर्नमेंट चाहे तो जो भी इसके जो
उपबंध हैं जो भी इसके क्लोज हैं उनको उनको अलग 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 तारीखों में और अलग अलग एरियाओं में अलग अलग तारीखों पे उनको एनफोर्स कर सकती है, लागू कर सकती है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई है इस अधिनियम में, जिसमें जो पर्यावरण की डेफिनेशन इस अधिनियम के अनुसार है, पर्यावरण के अंतर्गत जल वायु और भूमि आते हैं और वह अंतर संबंध है जो जल वायु भूमि तथा मानवों अन्य जीवित प्राणियों पादपों और सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच में विद्यमान है। तो ये इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार पर्यावरण की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसमें जो डेफिनेशन दी हुई है वो है पर्यावरण प्रदूषक। तो इसमें जो पर्यावरण प्रदूषक से तात्पर्य ऐसा ठोस द्रव या गैसीय पदार्थ है जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान हो, यानी ऐसी कंसंट्रेशन में विद्यमान हो जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो तथा इसका क्षतिकर होना संभाव्य है, मतलब या तो वो तुरंत पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या फिर उससे हानि होने की संभावनाएं हो पर्यावरण में। पर्यावरण से मतलब है कि जो अपने ऊपर डेफिनेशन दी हुई है वो पर्यावरण है। नेक्स्ट है संकटमय पदार्थ से तात्पर्य ऐसा पदार्थ या निर्मित अभिप्रेत है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के या हथा लेने के मतलब यहाँ की बनने के कई कारण मानवों अन्य जीवित प्राणियों पादपों सूक्ष्म जीव संपत्ति या पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। तो ये है परिसंकट में पदार्थ। नेक्स्ट जो इसमें है चैप्टर टू, इसमें क्या है कि जो केंद्र सरकार के पास में इस एक्ट से संबंधित जो भी पावर है उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें है केंद्र सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की पावर, अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियों से संबंधित कार्य निर्देश देने की शक्ति, पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम, मतलब उनको रेगुलेट करने के लिए जो भी रूल्स लॉ बनाने हैं वो सबकी पावर केंद्र सरकार के पास में है। नेक्स्ट है इसमें जो चैप्टर थ्री है पर्यावरण प्रदूषण का निवारण नियंत्रण और उपशमन, मतलब जो ये चैप्टर थ्री है इसका उद्देश्य है कि जो भी इंडस्ट्रीज होंगी उनको क्या क्या अनुपालनाएं करनी है ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो इसमें फर्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण का निवारण नियंत्रण और उपशमन। उपशमन से मतलब होता है कि उसको कम करना या फिर खत्म करना। उद्योग चलाने संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषण का उत्सर्जन या निस्सहन न होने देना, मतलब जो भी पोल्यूडेंट होंगे वो कम निकले। थोड़ी इसमें लैंग्वेज इस तरह से है क्योंकि ये एक्ट से ही ये सारी डेफिनेशंस ली हुई हैं सारे पॉइंट, तो इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है। तो संकट में पदार्थों को हथा लेने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षा उपाय का पालन किया जाना, इसका मतलब है कि अगर कोई कुछ व्यक्ति हैं वो कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं जिनसे उनको हानि हो सकती है या फिर आसपास के एनवायरमेंट को हानि हो सकती है, तो उनके लिए कुछ रक्षा उपाय यानी उनके लिए कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट को दिए जाना। नेक्स्ट है कुछ मामलों में प्राधिकरण यानी अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल्स को जानकारी का दिया जाना कि जो भी अगर ऐसे कोई काम हो रहा है तो उसकी जो जानकारी है वो प्रॉपर अथॉरिटी को या ट्रिब्यूनल्स को दी जानी चाहिए। नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, मतलब कोई भी जो है अथॉरिटी वो यहाँ से सैंपल वगैरह ले सकती है। पर्यावरण प्रयोगशालाएं सरकारी विभाग द्वारा अपराध, ये सब। नेक्स्ट है इसमें चैप्टर फोर, इसमें है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, अपराधों का संज्ञान, जानकारी रिपोर्ट विवरण, प्रत्यायोजन करने की शक्ति। इसका मतलब ये कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को कोई शक्ति दे सकती है इस कानून से संबंधित या फिर कोई शक्ति उससे ले सकती है, और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना है। तो ये है कि मतलब कोई फॉल्ट हो जाता है किसी इंडस्ट्री में तो उस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, वो चैप्टर फोर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये अधिनियम ये एक्ट लागू किया गया था उससे क्या क्या हमें अचीवमेंट्स हुए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट इफेक्ट फैक्ट्रियों परिसंकट में पदार्थों तथा पर्यावरण आपदाओं को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण प्रावधानों को विस्तार किया गया है। खतरनाक प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को दंड का प्रावधान है। केंद्रीय सरकार को प्रदूषणकारी उद्योगों को निर्देशित
वे बंद करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, व्यक्तियों व कंपनियों के साथ ही सरकारी विभागों को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है। अब देखते हैं इस अधिनियम की क्या क्या कमजोरियां हैं या फिर क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो इसमें जो फर्स्ट है वह समझ सकते हैं केंद्र सरकार में नींद होने के कारण राज्यों में पर्यावरण संरक्षण त्वरित नहीं हो पाया, मतलब इसमें जो भी पावर है वो सब सेंटर के पास में है, स्टेट के पास में नहीं है, तो इसमें जो भी कार्रवाई होती है वो तुरंत नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, इसमें सामान्य न्यायालयों में पहले से ही लाखों मुकदमे पड़े हैं, ऐसी स्थिति में पर्यावरण संबंधी मुकदमों के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन यह प्रावधान इसमें नहीं है। मतलब अभी अपने वैसे ही काफी सारे मुकदमे पड़े हुए हैं कोर्ट में, तो इसके लिए एक स्पेशल न्यायालय बनना चाहिए था। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक को किसी उद्योग द्वारा किए जा रहे प्रदूषण के संबंध में जनहित याचिका दायर करने का अधिकार तो दिया है, किंतु उसके साथ 7 दिन में नोटिस जैसे प्रतिबंधों से वह स्वयं कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रदूषण के अन्य प्रकारों जिसमें ओजोन डिप्लेशन, एसिड ड्रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये ओशियन पोल्यूशन आदि आते हैं, परंतु इनका इस अधिनियम में कोई स्थान नहीं है। मतलब जो भी इसमें है, जो वाटर जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा था इसके अंतर्गत केवल वायु, जल और जमीन को ही लिया गया है, इन सब चीजों को नहीं लिया गया, तो ये भी कहीं ना कहीं इस अधिनियम की कमजोरी है। थैंक यू।